उद्घाटन प्रधानमंत्री ने अभी अभी ये किया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अटल सेतु कितना अहम है, कितनी इसकी विशेषताएं हैं, कितना उपयोगी है, ये देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसकी लंबाई के बारे में हम आपको बताएं, करीब करीब 22 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर। ये अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी निवार, ये जो अटल सेतु है इसका पूरा नाम है। ये मुंबई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने इस प्रसिद्ध अटल सेतु का उद्घाटन किया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो करीब करीब 22 किलोमीटर है, 21.8 किलोमीटर, इसमें से 16.5 किलोमीटर हिस्सा ये समुद्र के ऊपर ही है और जो 5.5 किलोमीटर हिस्सा है वो जमीन के ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सबसे बड़ा समुद्री पुल है, 6 लेन वाला ये पुल है, रोड ब्रिज है 6 लेन वाला। और इसमें मुंबई और नवी मुंबई उसको जोड़ा जाएगा। तो प्रधानमंत्री का जो विजन है शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने का और नागरिकों की ईज ऑफ मोबिलिटी को बेहतर बनाना है, और इसी विजन के अनुरूप मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नवाहा सेवा अटल सेतु रखा गया है। यह पूरा नाम है अटल सेतु का। यह पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा है, करीब करीब 22 किलोमीटर मान लीजिए आप, और 6 लेन वाला है, 16.5 किलोमीटर लंबा, यह समुद्र के ऊपर ही है और करीब करीब 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना है। तो यह भारत का सबसे लंबा पुल है, जो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। अटल सेतु का निर्माण 17,840 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से किया गया है। यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, यानी कि मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में लगने वाला समय इससे काफी कम हो जाएगा। यह मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। तो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन तो किया ही और उसी दौरान यह प्रदर्शनी का भी प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए किस तरह से प्रदर्शनी का अवलोकन किया, अटल सेतु के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाली ये प्रदर्शनी है, जिसमें प्रधानमंत्री ने उसे देख करके कई बातों को समझा है इस प्रदर्शनी के जरिए, इस अटल सेतु के बारे में, जो कि प्रसिद्ध अटल सेतु है जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। मुंबई से लेकर नवी मुंबई को जोड़ने वाली यह अटल सेतु काफी महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी भूमिका वहां की कनेक्टिविटी में, ईज ऑफ कनेक्टिविटी में बहुत बड़ी भूमिका इस पुल की। उसी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रदर्शनी में उन बारीकियों को देखा, समझा, जानकारी ली। और इस अटल सेतु के बारे में अगर हम आपको बताएं तो अटल सेतु को अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक से बनाया गया है और इस पुल को पर्यावरण के अनुकूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिससे आसपास के पर्यावरण पर इसका प्रभाव कम से कम हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष, बेहद खास ये अटल सेतु है महाराष्ट्र में, मुंबई में और देश की अर्थव्यवस्था में भी ये काफी अहम योगदान देगा। और जैसा कि हमने बताया कि मुंबई और नवी मुंबई की कनेक्टिविटी को बहुत आसान और इस यात्रा में लगने वाला समय, और फिर बात सिर्फ मुंबई और नवी मुंबई की नहीं है, वो रास्ता फिर आगे चल करके पुणे गोवा के लिए भी जाता है, तो उस यात्रा में भी समय को काफ़ी कम हो जाएगा, यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा, समय की बचत होगी। और 6 लेन वाला है, अत्याधुनिक है, पर्यावरण के अनुकूल है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को कितनी सुविधा इसकी होगी। और पहले जब ये अटल सेतु नहीं था तब कितनी लंबी यात्रा तय करनी पड़ती थी, ट्रैफिक जाम से होकर गुजरना पड़ता था, काफ़ी समय लगता था, ईंधन की खपत काफ़ी ज़्यादा होती थी, अब उन सब चीज़ों से मुक्ति
इसके जरिए मिल रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अटल सेतु, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल आप देख सकते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सभी लोग वहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले इस अटल सेतु का उद्घाटन किया। हम आपको बता दें कि ये जो अटल सेतु है इसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री ने ही किया था। साल 2016 में प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था। और प्रधानमंत्री प्रायः कई बार ये बात कहते हैं कि जिन परियोजनाओं का मैं शिलान्यास करता हूँ प्रयास रहता है कि उसका उद्घाटन भी करूँ। तो ये एक और कड़ी जुड़ गई इस बात में कि इस अटल सेतु का उन्होंने शिलान्यास भी किया था और आज उस अटल सेतु का उद्घाटन भी किया। और ये वही अटल सेतु है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने महाराष्ट्र के दौरे के दौरान आज उद्घाटन किया है। ईज ऑफ मोबिलिटी, यानी कि यात्रा में सुविधा। और जो इसकी खासियत है, विशेषताएं हैं, वो हम आपको बता चुके हैं कि 21.8 किलोमीटर लंबा पुल है, सबसे लंबा, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। 16.5 किलोमीटर पानी के ऊपर यानी समुद्र के ऊपर और 5.5 किलोमीटर जमीन के ऊपर। 6 लेन वाला रोड ब्रिज है ये, मुंबई से नवी मुंबई को आपस में जोड़ता है। और मुंबई और नवी मुंबई के बारे में हम आपको बताएं तो जैसे मुंबई महानगर है तो उसके पास में ही नवी मुंबई एक उपनगर का निर्माण हुआ है। तो मुंबई और नवी मुंबई के बीच जो ये सेतु है, अटल सेतु है, ये लाइफ लाइन के तरह अब हो गया है, एक जीवन रेखा। और मुंबई से नवी मुंबई ही नहीं बल्कि उसके आगे भी, आपको चाहे उसके आगे पुणे जाना हो, गोवा जाना हो, कोंकण का इलाका जाना हो, तो वो वही रास्ता है। और उस रास्ते पर जाने में अटल सेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। उद्घाटन हो गया है तो जाहिर सी बात है कि लोग अब इसका पूरा उपयोग करेंगे, लोगों को पूरी सुविधा होगी। और इन्हीं चीज़ों के बारे में अवलोकन भी किया प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी में। तो जो प्रधानमंत्री का विज़न है शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने का और नागरिकों की ईज ऑफ मोबिलिटी को बेहतर बनाने का, इसी विज़न के अनुरूप मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी MTHL का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नवाहा सेवा अटल सेतु रखा गया है। संक्षेप में हम लोग इसको अटल सेतु बोलते हैं। यह पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन वाला है, जो 16.5 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर यह है, और लगभग 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना है। यह भारत का सबसे लंबा पुल है, जो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। अटल सेतु के निर्माण की लागत की बात करें तो 17,840 करोड़ रुपए से भी अधिक का की लागत इसमें आई है। यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा, उससे आगे आप बेंगलुरु जाएं, केरल जाएं, उसमें लगने वाले समय को भी ये कम कर देगा। ये मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। अटल सेतु को अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक से बनाया गया है, और तकनीक तो है ही, साथ में ये पर्यावरण मित्र भी है, यानी पर्यावरण के अनुकूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन किया गया है, जिससे आसपास के पर्यावरण पर इसका प्रभाव कम से कम हो। तो ये विशेषताएं अटल सेतु की हैं, जिसमें कि आधुनिकता भी है, पर्यावरण को संजोने का कार्य भी है, लोगों को सुविधाएं भी हैं, और देश के निर्माण में, उस इलाके में, उस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को लेकर के इस पुल की तो बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। महाराष्ट्र में पहले वो नासिक गए, नासिक के बाद वो मुंबई पहुंचे हैं और मुंबई में इस अटल सेतु का उन्होंने उद्घाटन किया है।
आज मुंबई में और भी उनके कई कार्यक्रम हैं और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री आज मुंबई में कर रहे हैं। लेकिन ये अटल सेतु जो है ये अपने आप में बहुत ही विशेष है। इसकी विशेषताएं जो हैं वो हमने आपको बताई कि किस तरह से कितना विशेष है ये अटल सेतु, क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसके महत्व है, किस तरह से ये मददगार होगा लोगों को, लोगों की यात्रा में, लोगों को जीवन को, लोगों के जीवन को आसान बनाने में, लोगों की यात्राओं को, सफ़र को आसान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका इसकी होने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सेतु का उद्घाटन किया है, इस मौके पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया है, समझा है, जानकारी ली है कि किस तरह से ये कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से लोगों को इससे सुविधा होने वाली है। प्रदर्शनी के दौरान प्रधानमंत्री जानकारी लेते हुए और वहाँ पर जो उपस्थित अधिकारी हैं वो जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये आप भी देख सकते हैं कि ये जो प्रतिरूप है, मॉडल है इस अटल सेतु का, वो प्रधानमंत्री गौर से देख रहे हैं। तो इससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नासिक भी गए थे और अब मुंबई पहुंचे हैं। मुंबई में प्रधानमंत्री अटल सेतु राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं और मुंबई में 30,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाएं हैं जिनका कि उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो आज महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए बड़ी सौगात का दिन है, उस क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात का दिन है। उस सौगात में जो सबसे बड़ा नाम है वो अटल सेतु ही है। उस अटल सेतु की आप विशेषताएं देख सकते हैं और उपयोगिता इस अटल सेतु की जो होनी है वो निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण, जिसका प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटन किया, राष्ट्र को समर्पित किया। तो अटल सेतु जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि बेहद खास है और देश का सबसे बड़ा, सबसे लंबा समुद्री पुल, और सिर्फ समुद्री पुल ही नहीं बल्कि कुल मिलाकर के ये देश का सबसे लंबा पुल है अभी तक का, 21.8 किलोमीटर, यानी कि करीब करीब आप मान के चलें 22 किलोमीटर का ये पुल है। और देखिए किस तरह पर्यावरण का ध्यान रखा गया है, ख़ास तौर पर ये आपको मॉडल में भी दिखाई पड़ रहा होगा कि इस अटल सेतु के निर्माण में आधुनिकता के साथ साथ किस तरह से पर्यावरण का ख्याल रखा गया है। तो पर्यावरण का जिस तरह से ख्याल रखा गया है इसका साफ मतलब है कि जो सतत विकास की बात आती है, जिसमें कि हम कहते हैं कि इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए या कम से कम नुकसान के साथ जो विकास हो, उस विकास के तहत ये जो अटल सेतु है ये अपने आप में एक उदाहरण है, अपने आप में यह एक नमूना है कि किस तरह से हम विकास कर सकते हैं, तेज विकास कर सकते हैं और पर्यावरण को नुकसान से भी बचा सकते हैं। पर्यावरण के साथ दोस्ताना व्यवहार रखते हुए कैसे विकास कर सकते हैं इसका ये एक बड़ा नमूना है। आप मॉडल में भी देख सकते हैं कि किस तरह से हरियाली दिख रही है और किस तरह से पर्यावरण के संरक्षण का विशेष ध्यान इसमें रखा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अटल सेतु राष्ट्र को समर्पित कर दिया। बहुचर्चित अटल सेतु, प्रसिद्ध अटल सेतु और बेहद महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण अटल सेतु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी में यह अवलोकन किया है
और अवलोकन में उन्होंने बहुत ध्यान से इसे देखा है। उद्घाटन के दौरान प्रदर्शनी और किस तरह से ये जो अटल से तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, जब उन्होंने कुछ देर पहले उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनके साथ सभी गणमान्य व्यक्ति हैं, मौजूद हैं, राज्यपाल महाराष्ट्र के, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और इस निर्माण परियोजना से जुड़े बड़े अधिकारी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री ने इस अटल सेतु का उद्घाटन किया है। और कुछ खास बातें ये हैं कि ये जो अटल सेतु है इस पे ये जितनी दूरी है, इतनी दूरी को तय करने में पहले लगते थे करीब करीब 2 घंटे और अब लगेंगे करीब करीब 15 मिनट। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उपयोगी है ये पुल, कितना महत्वपूर्ण है, और वो भी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका उद्घाटन किया अटल सेतु का। इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये कही जा सकती है, और सिर्फ इसी की विशेषता नहीं, ये आगे के लिए एक रास्ता भी दिखाता है कि जब कभी आप ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर काम करें तो आप ज़रूर यह ध्यान रख सकते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किस तरह से तेज विकास हो सकता है, किस तरह से आधुनिक विकास हो सकता है। ये अटल सेतु अपने आप में ये कहानी बता रहा है। अटल सेतु के जरिए यह संदेश है कि विकास पर्यावरण को संरक्षित करके भी किया जा सकता है, और छोटा मोटा नहीं, बड़ा विकास किया जा सकता है। अटल सेतु का निर्माण अपने आप में यही कहानी बता रहा है। और जहां तक का इस अटल सेतु के महत्व की बात है, तो इससे मुंबई से लेकर के पुणे, गोवा, दक्षिण भारत, बिल्कुल वहां तक का सफर आसान बन जाएगा। और इसमें एक बात और खास है कि जो सुरक्षा का इंतजाम है वो भी बहुत ही खास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई वाले 190 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये भी उस पुल की एक बड़ी विशेषता है। आज के दौर में सुरक्षा को लेकर के सीसीटीवी का कितना महत्व होता है, सीसीटीवी कैमरे का हम सब जानते हैं। तो 190 सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए हैं ये भी इसकी विशेषता है। और हम जैसा कि आपको बता रहे थे कि ये देश का तो सबसे लंबा पुल बन गया है, समुद्र पर देश का सबसे लंबा पुल, और वैसे भी कुल मिलाकर भी देश का सबसे लंबा पुल है। और अगर विश्व में इसके स्थान की बात करूं तो विश्व का ये 12वां सबसे लंबा समुद्र तल पर बना हुआ पुल है। समुद्र पर बनने वाला 12वां सबसे लंबा पुल दुनिया का, जो कि ये अटल सेतु बना है। 6 लेन है और रोज इस पुल से 70,000 से भी अधिक गाड़ियों का आवागमन हो सकता है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से गाड़ियां दौड़ सकती हैं। कुछ और जो रोचक बातें हैं, आप जानते हैं कि फ्रांस में पेरिस में एफिल टावर है और एफिल टावर में स्टील लगा है, तो इस पुल को बनाने में एफिल टावर की तुलना में 17 गुना स्टील लगाया गया है। और एफिल टावर से तुलना की तो कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से भी तुलना कर लेते हैं, हावड़ा ब्रिज से 4 गुना ज्यादा स्टील का इस्तेमाल इसमें किया गया है अटल सेतु को बनाने में। और कंक्रीट की बात करते हैं तो अमेरिका का जो विश्व प्रसिद्ध स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उससे 6 गुना ज्यादा इसमें कंक्रीट लगाया गया है इस पुल के निर्माण में। अगर थोड़ा सा डेटा की बात करूं तो 1,77,903 मीट्रिक टन स्टील
जो कि हम बात कर रहे थे कि हावड़ा ब्रिज से 4 गुना ज़्यादा और जो एफिल टावर है उससे 17 गुना ज़्यादा स्टील लगाया गया है। तो स्टील की जो मात्रा है वो 1,77,903 मीट्रिक टन स्टील इस पुल में लगाया गया है। मजबूती का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और सीमेंट जो है वो 5,04,253 मेट्रिक टन सीमेंट का भी इसको बनाने में उपयोग किया गया है। एक खास बात का और जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि ये अटल सेतु इतना मजबूत है कि इस पर भूकंप हो, हाई टाइड हो, उच्च ज्वार, तेज हवा हो, जो तूफान साइक्लोन ये सब आते हैं, इन सब के दबाव का असर नहीं होगा। तो कितना सुरक्षित इसे बनाया गया है, कितना मजबूत बनाया गया है, ये आप समझ सकते हैं। तो किस तरह से ये आपदा से सुरक्षित है कि इस पर भूकंप का असर नहीं होता, हाई टाइड का असर नहीं होगा, उच्च ज्वार का, तेज हवाओं के दबाव का असर नहीं होगा, यानी कि साइक्लोन है, कोई और तूफान है, उन सब का इस पुल पर असर नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपदा से कितना सुरक्षित पुल है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कई बार समुद्र में हाई टाइड आता है, तेज हवाएं चलती हैं, साइक्लोन कई बार उठते हैं, लेकिन उन सब से इस पुल को बिल्कुल सुरक्षित बनाया गया है। इतना मजबूत बनाया गया है, सुरक्षा के इतने इंतजाम किए गए हैं कि इस पुल पर ऐसी आपदाओं का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये भी अपने आप में एक नमूना है कि आज के भारत में जो निर्माण कार्य होता है उसमें एक तरफ देखिए पर्यावरण का संरक्षण, दूसरी तरफ इतना आधुनिक और इतना मजबूत पुल का निर्माण जिस पर कि आपदा का भी कोई असर नहीं होने वाला है। तो इस पुल पर यात्रा करते समय यात्री बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपदा रोधी पुल बनाया गया है। इसमें आपदा से का सामना करने की पूरी ताकत है, बहुत ही मजबूत पुल बनाया गया इसको। एक और विशेष जानकारी है कि इस पुल को बनाने के लिए एक खास मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, और ये मटेरियल जो होता है इसको परमाणु रिएक्टर को बनाने के लिए, तो परमाणु रिएक्टर कितना मजबूत बनाया जाता है हम सब जानते हैं, ताकि उसमें से लीकेज ना हो, तो उस खास मटेरियल का नाम भी बताऊं तो एपॉक्सी स्ट्रैंड्स, उस खास मटेरियल का नाम है एपॉक्सी स्ट्रैंड्स, जिसका इस्तेमाल करके इस पुल को बनाया गया है। तो मजबूती का कितना ख्याल रखा गया है, जब हम बात करते हैं कि उस सामग्री से इसे बनाया गया है, उस मटेरियल से बनाया गया है जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टर के निर्माण के लिए किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूत सामग्री है ये जिससे कि इस पुल का निर्माण किया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्र को इस पुल को समर्पित किया तो निश्चित रूप से वो गौरवशाली क्षण है जिसमें कि भारत में ऐसा निर्माण हुआ है अटल सेतु के रूप में जिसका उदाहरण दिया जा सकता है, जिसके उदाहरण पर आगे कई निर्माण किए जा सकते हैं। और वो उदाहरण है एक तरफ अभूतपूर्व मजबूती का और दूसरी तरफ पर्यावरण के संरक्षण का, किस तरह से इस अटल सेतु में किन चीजों का खास ध्यान रखा गया है, इन बारीकियों को समझने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रदर्शनी का अवलोकन किया है आप उसी की तस्वीरें देख रहे हैं। बारीकियों को किस तरह प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी के जरिए समझ रहे हैं और आप भी एक नजारा ले सकते हैं कि किस तरह से इस पुल का मॉडल है, यह पुल दिखता कैसा है, इस पुल की क्या विशेषताएं हैं, ये तमाम चीजें आप भी
तस्वीरों के जरिए तो समझ ही सकते हैं, और जो इससे जुड़ी विशेष जानकारी हम आपको बता रहे हैं वो भी अपने आप में पूरी कहानी को बताता है कि किस तरह से ये पुल कितना ख़ास है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है और कितना मजबूत है। इस पुल के बारे में अगर हम आपको कुछ और जानकारी दें, और लगातार हम जैसे जानकारी दे रहे हैं कि ये आप इसे एक ऐतिहासिक क्षण भी कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि भारत में ये सबसे बड़ा सबसे लंबा पुल है। तो इस पुल के बारे में कि और क्या कुछ खास है इस पुल को लेकर के, इसका सफर कैसे रहा, कैसे निर्माण हुआ, मुंबई से हमारी संवाददाता फोन लाइन पर श्यामा मिश्रा जुड़ गई है। श्यामा से जरूर थोड़ा सा जानकारी को और आगे बढ़ाते हैं। श्यामा, ये प्रधानमंत्री ने ही शिलान्यास किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने, और उन्होंने ही उद्घाटन किया, इसके निर्माण के सफर के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। देखिए लालचंद्र, सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि ये जो जो ब्रिज है इसकी जरूरत बहुत लंबे समय से एक फील हो रही थी और इसकी बातचीत भी बहुत लंबे समय से चल रही थी। यानी कि 1960 की बात हम कर रहे हैं जब ये बातचीत चल रही थी कि ऐसी एक ब्रिज को बनाना चाहिए, लेकिन कई सारे कारणों के वजह से ये चीज फ्रक्टिफाई नहीं हो पाई और ये का शिलान्यास या कुछ भी काम नहीं हो पाया। फाइनली हमने देखा जब सरकार बदली और एक जो इंटेंशन की हम बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है, लोगों में जो एक इतनी तकलीफ भरी जो सफर थी उसे कम करने की एक बात करते हैं जी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसका शिलान्यास किया गया। शिलान्यास करने के बाद में काफी लंबा समय चला ये ब्रिज बनते हुए में, सागरी पुल को बनते हुए में, क्योंकि इसमें कई सारे चैलेंजेस थी। सबसे पहली बात तो ये ब्रिज जो है MTHL समुद्र का भारत का सबसे बड़ा ब्रिज, सबसे बड़ा पुल माना जा रहा है, क्योंकि 16 किलोमीटर से ज्यादा ये समुद्र पर बना हुआ है और इसके अलावा जो 21.8 किलोमीटर के अलावा जो 16 किलोमीटर के अलावा है किलोमीटर, वो लैंड पे बना हुआ है। हम लैंड की बात तो हम जब करते हैं तो हम समझ सकते हैं वो एक कन्वेंशनल चीज है, वो हमेशा की जाती है तो इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, लेकिन जब आप समुद्र की बात करते हैं तो उसमें हाई टाइड लो टाइड समुद्र की स्थिति, कितना आप उसको डिग करते हैं, कितना आप पाइल्स लगाते हैं, पिलर्स आपके कितने लगने वाले हैं उसमें, ये सभी चीजों की स्टडी जब आप काम करते हैं तब क्या चैलेंजेस आते हैं, ये सभी चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए एक समय पर इसका काम शुरू हुआ। ऐसे समय में हमने कई बार देखा कि बहुत सारी चीजों की वजह से जैसे जो आसपास के लोग रहते हैं, जो समुद्री जो मछुआरा की कम्युनिटी है या जो लोकल कम्युनिटीज है उनको भी कॉन्फिडेंस में लेते हुए ये ब्रिज को का निर्माण शुरू किया गया, तो उन्हीं उनको भी सबका साथ सबका विकास के मंत्र से ये ब्रिज बनना शुरू हुआ। ये ब्रिज बन ही रहा था कि बीच में हम देख रहे थे कि कोविड की महामारी आ गई। कोविड की महामारी जब आई तो लॉकडाउन के समय में इसका काम रोक दिया गया। जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से ईज हुए, लॉकडाउन थोड़ी सी ईज हुई, ये काम इसका पूरी तरीके से फिर शुरू हुआ। तो हम समझ सकते हैं कि जो इसमें कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स थे, लेबरर्स थे, वो कितने डेडिकेटेड थे कि इस काम को उन्होंने समय उतने डिफिकल्ट समय पे उन्होंने शुरू किया। उसके बाद में ये पूरी तरीके की अगर हम टाइमलाइन को देखें तो सिर्फ 8 महीने के डिले के वजह से ये पुल डिले हुआ है, नहीं तो ये बिल्कुल जिसका लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य पर ही बना है। और 8 महीने क्योंकि कोविड बीच में आया था उसकी वजह से ये डिले हुआ। आज जब हम देख रहे हैं कि ये पुल अब लोगों के लिए इसका लोकार्पण हो चुका है, प्रधानमंत्री आए थे यहाँ पर, उन्होंने जो जो कंस्ट्रक्शन के समय में ऑफिशियल्स थे, स्टाफ थे, लेबरर्स थे, वो भी यहाँ पे मौजूद थे, उन्हें पास बुलाया प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने उनसे बात की कि अपने अनुभव साझा करें, क्या आप जब आप कौन यहाँ पर सबसे लंबे समय से जुड़ा हुआ है कंस्ट्रक्शन के समय से, कब सबसे ज्यादा लंबे समय कौन है, तो काफी उत्सुकता में लोगों ने बताया और लोगों ने ये भी बताया कि कोविड के समय में भी काफी सारे जो लोग थे वो मौजूद थे और आज भी वो यहाँ पर उपस्थित थे। तो प्रधानमंत्री ने उनको धन्यवाद किया कि ऐसे डिफिकल्ट समय में, ऐसे मुश्किल समय में जब कोविड हो रहा था पूरे देश में, उस समय में भी इन्होंने काम किया, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने उन्हें शुक्रिया अदा किया। इससे पहले मुंबई से पहले प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं तो नासिक में थे, और नासिक में जो प्रसिद्ध काला राम मंदिर है
वहाँ पर उन्होंने दर्शन किए, पूजन किए, भजन भी गाए। इस काला राम मंदिर के बारे में ज़रूर बताइए, कितना ऐतिहासिक, क्योंकि यहीं से जल अनुष्ठान किया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब हम देख रहे हैं कि 22 तारीख को, 22 जनवरी को यहाँ पर भव्य एक तरीके से पूरा मेला लगा हुआ है। जब हम देखेंगे कि रामलला वहाँ पर विराजित होंगे, विराजमान होंगे, उसी को लेके प्रधानमंत्री ने ये भी बात कही कि मंदिरों की स्वच्छता को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और इसी में बीच में प्रधानमंत्री यहाँ पर आज नासिक में जब वो गए तो उन्होंने एक रोड शो किया, और उसके बाद में कलाराम जो मंदिर है वहां पर उन्होंने स्वच्छता का जो एक हम कह सकते हैं एक वो एक्टिविटी उन्होंने किया वहां पर। साथ ही देशवासियों से भी अपील की कि वो मंदिरों की स्वच्छता के अभियान चलाएं। उन्होंने ये भी आह्वान किया था कि जो तीर्थ स्थान होते हैं उसमें साफ सफाई स्वच्छता बाद में करने से कोई मतलब नहीं, आप पहले कीजिए। तो ये चीज बहुत एक बहुत बड़ी वहां से हम देख रहे हैं कि मैसेज जो आया है प्रधानमंत्री के तरफ से, जी बिल्कुल, तो वो हमने यहाँ पर आज होते हुए देखा। और साथ ही प्रधानमंत्री नासिक में भी उन्होंने हीरुवा जो महोत्सव है उसको भी संबोधित किया। एक्शन पैक रहा है प्रधानमंत्री का आज का पूरा दौरा। ठीक है, शुक्रिया श्यामा आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और जो प्रधानमंत्री ने ये 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान किया है, इस पर और विशेष बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्र भी जुड़ रहे हैं। अजय, 11 दिन का ये विशेष अनुष्ठान प्रधानमंत्री ने कालाराम मंदिर से शुरू किया और अब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ने ऑडियो संदेश भी दिया है, बहुत सारी विशेष बातें कही हैं, भावनात्मक बातें भी प्रधानमंत्री ने कही हैं। ये जो विशेष अनुष्ठान है प्रधानमंत्री का, ये कितना विशेष है, किन मायनों में विशेष है? लालचंद जी, ये जो उद्बोधन है आज करीब 10 मिनट का प्रधानमंत्री का ऑडियो उद्बोधन, सभी को मन की बात की याद आ रही होगी। और आप ये समझिए कि ये उद्बोधन न भूतो न भविष्यति, ऐसा इसलिए क्योंकि जिस काले राम का आपने जिक्र किया, जो महाराष्ट्र में इस वक्त है वहां से कीर्तन चलता है, काले राम काले राम काले राम कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। हालांकि अच्छा, ये भजन किसने बनाया अभी तक तो उन महानुभाव महापुरुष का पता नहीं चल पाया, लेकिन एक जानकारी मैं आपको दे दूं, अयोध्या में भी काले राम है, राम की पड़ी पर काले राम है, वही काले राम जिनको राजा विक्रमादित्य ने सरयू के किनारे एक भव्य मंदिर में बसाया था, जिसको मुगल काल में एक बार फिर से तोड़ा गया, उसकी उनकी प्रतिमा को जो वहाँ के साधु संत थे उन्होंने सरयू में बहा दिया, और वो वही काले राम आज भी जब आप परिक्रमा पथ पर जाते हैं तो बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर उनका एक भव्य मंदिर बना है, और आज वो काले राम हमें दर्शन भी देते हैं। ये जो छवि है भगवान श्री राम की और उसको तपस्या के साथ जोड़ना और प्रधानमंत्री का एक लीडरशिप लेना कि 11 रुद्र होते हैं और भगवान श्री राम के सबसे बड़े अनुयायी, सबसे बड़े भक्त अगर कोई है तो भगवान शिव, और 11 रुद्र के रूप में 11 दिनों की अनुष्ठान का ये जो कार्यक्रम और उसके साथ में पूरे दुनिया का स्तर पर भारत के सनातनियों का आह्वान की 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री की तपस्या में साथ दें और उनकी भावना के साथ अपनी भावना को आत्मसात करके मिला करके उस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में अपनी आहुति दें, ये सबका साथ होता है। और एक लीडरशिप जो कि अगली पंक्ति में खड़े रह करके तपस्वी की भांति, जिस तरह से भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक होने लगा तो एक रात्रि पहले उन्होंने सारे वेदांतों में जो विधान है वशिष्ठ जी की आज्ञा से उन्होंने सारे विधान का पालन किया, भूमि पर शयन किया, बिना किसी क्रोध बिना किसी काम भावना के वो पूरा दिन उन्होंने बिताया। हालांकि अगले दिन राज्याभिषेक का क्या हुआ सारी दुनिया जानती है कि उनको वनवास हुआ, लेकिन राज्याभिषेक से पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भी संतों से आज्ञा ली है, उन्होंने जो भी संतों से उनको निर्देश मिला है उसके अनुसार वो इस विशेष अनुष्ठान का उपयोग ये शुरुआत कर रहे हैं। सभी को लग रहा है शायद प्रधानमंत्री एकादशी का उपवास करेंगे, अगले दिन पूर्व द्वादशी होती है तो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल हो जाएंगे, लेकिन एकादशी तो पूरी अयोध्या रहती है, पूरा देश के वैष्णव रहते हैं, तो आप समझिए कि वैष्णवों की परंपरा को और ज्यादा, और 9 दिनों का उपवास वो लगातार करते हैं जब नवरात्रि का मौसम होता है, गुप्त नवरात्रि का भी वो व्रत रखते हैं, केवल पानी पे रहते हैं, लेकिन अब बात 9 दिनों की नहीं, अब 11 दिनों की हो गई है, भगवान रुद्र के 11 अंश और उसमें सबसे 11वां रुद्र का अगर आप एक समेकित रूप देखें तो भगवान श्री हनुमान का रूप है,
ग्यारहवां रुद्र जब एक ही रुद्र में समा जाते हैं तो भगवान श्री राम हो जाते हैं, हालांकि उनको ग्यारहवां रुद्र भी कहा जाता है कहीं कहीं। तो अब समझिए कि काले राम का महाराष्ट्र का संबंध सरयू के किनारे काले राम से, उसके बाद में भगवान श्री हनुमान का संबंध ग्यारह रुद्रों से, और ग्यारह दिनों की प्राण प्रतिष्ठा में रह गए हैं, ग्यारह दिनों का उपवास, और उसके बाद देश को नई दिशा दिखाने का एक कार्य और एक लीडरशिप जो आज एक तपस्वी की भांति, और जिक्र किया उन्होंने विवेकानंद जी का, क्योंकि दुनिया का सबसे युवा देश कौन, भारत, जिक्र किया उन्होंने जीजाबाई का जो कि समर्थ राम गुरुदास की उसी परंपरा में, भगवान भगवान समर्थ राम रामदास की परंपरा में शिवाजी जैसे वीर पुरुष हुए जिन्होंने सनातन को पूरे पूरे राष्ट्र में फैलाने में कितनी बड़ी भूमिका अदा की। तो आप ये समझिए कि इसके बहुत सारे निहितार्थ हैं, आप जितना गहराई में उतरते जाएंगे शब्दों की एक सीमा होती है, लेकिन कहते हैं ना कि ब्रह्म शब्दों से परे है, आप सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से नासिक के काले राम मंदिर से प्रधानमंत्री ने इस विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया है, जो उसका इतिहास रहा है अजय, हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो समेकित सनातन का संदेश है उसे भी देने का कार्य किया है इस पूजा अर्चना के जरिए। अरे साहब, इस सवाल के जवाब में अगर मैं आपसे एक सवाल करूं लांचल जी, वो कौन सी एक वस्तु है जो पूरे भारत को जोड़ती है, वो कौन सा एक तत्व है जो हर भारतवासी को एक करके देता है, आप मुझे बताइए। अध्यात्म के अलावा अगर कोई एक वस्तु बता दीजिए जो पूरे देश को जोड़ता हो तो मैं मतलब उसका स्वागत करूंगा। आप समझिए कि गोदावरी का तट है, उसी गोदावरी का तट जो अभी अभी आपने देखा है कि नए साल में वहीं की गोदावरी माँ की गोद से भारत की ऊर्जा सुरक्षा का भी रास्ता आ रहा है। प्रकृति ने हमें विकास भी दिया है, प्रकृति ने हमें संस्कृति भी दी है, और वही माँ गोदावरी जहाँ पर स्नान करते हुए भगवान राम की आंखें नम हो जाती है कि भरत सरयू में कैसे स्नान करते होंगे, क्योंकि उत्तर भारत में तो बहुत सर्दी पड़ती है, और मैं तो अयोध्या से आ रहा हूँ, इस वक्त सर्द मौसम इतना ज्यादा है कि लोग बड़ी मुश्किल से सरयू में स्नान कर रहे हैं, और भगवान भरत तो इस डर से कि लोग मुझे देख न लें, 4 बजे की बजाय और रात्रि में 2 बजे जाकर के स्नान करते थे, और भगवान राम की आंखें छलछला जाती थी गोदावरी में स्नान करते हुए, और भगवान लक्ष्मण से कहते हैं कि भरत मेरे कैसे स्नान करते होंगे, कैसे वो तपस्या कर रहे होंगे, मुझे बड़ी चिंता होती है भरत की, मुझे भरत की कुछ कथा सुनाओ। तो आप ये समझिए कि गोदावरी माँ से सरयू का संबंध, आप, मैं इस वक्त इंद्रप्रस्थ में हूँ, आप समझिए कि माँ सरयू जो कि अयोध्या में रहती हैं वो सूर्य वंश में है, और माँ और भगवान सूर्य की पुत्री यमुना जो दिल्ली में बहती है, आप कौन से ऐसे तत्व को छोड़ेंगे जो पूरे पूरे भारत को एक साथ नहीं जोड़ती, सूर्य भगवान से माँ यमुना का संबंध, उसके बाद सूर्यवंश में माँ सरयू का संबंध, भगवान श्री राम का गोदावरी के साथ संबंध, कृष्णा के साथ संबंध, जो उन्होंने उत्तर भारत में भगवान ने जन्म लिया वो दक्षिण की यात्रा करते हैं, दक्षिण में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ वो उत्तर की तरफ जाती है, उत्तर भारत का संगम आप काशी तमिल संगमम में देख चुके हैं, आप तमिल सोमनाथ संगमम में देख चुके हैं, तो कोई एक व्यक्ति पूरे देश को जोड़ने का कार्य कर रहा है, विकास के साथ जोड़ रहा है, संस्कृत के साथ जोड़ रहा है, और आपको विकास ही एक सूत्र में बांधेगा, आपको संस्कृति और सभ्यता ही एक सूत्र में बांधेगी, इस नस को, इस कुंजी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पकड़ लिया है, और वो अनवरत बिना थके बिना रुके लगातार इस तपस्या के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, और आह्वान यही कि देश उनका सहयोग करे। आप हमारे साथ बने रहिएगा अजय, हम आपसे इस पर और ज्यादा आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हम जरा दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री के महाराष्ट्र दौरे में नासिक में क्या कुछ खास रहा, एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर लौट कर आपसे चर्चा जारी रखेंगे। नासिक शहर में विराजमान कालाराम मंदिर, मान्यता है कि यही वो पंचवटी है जहां प्रभु राम ने वनवास का अपना अधिकांश समय बिताया था। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने यहां पर विशेष पूजा अर्चना कर देशवासियों से रामोत्सव में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। इस दौरान परम